केशवपुरम वार्ड के निगम पार्षद योगेश वर्मा ने नवरात्र के मद्देनजर पूजा सामग्री के निस्तारण और मूर्तियों को विसर्जित करने का विशेष व्यवस्था की है। योगेश वर्मा ने निगम के सहयोग से केशवपुरम वार्ड के सभी मंदिरों और चौक चौराहे पर ड्रम रखकर लोगों से अपील की है कि वो पूजा सामग्री और मूर्तियों को ड्रम में डालें ताकि प्रदूषण होने से बचाने के लिए पूजा सामग्री का उचित निस्तारण किया जाए, साथ ही मूर्तियों को विधि विधान से विसर्जित किया जा सके। योगेश वर्मा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष नवरात्रों व गणेश पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा अपने अपने घरों में पूजा की जाती है और प्रायः यह देखा जाता है कि पूजा के उपरांत पूजा सामग्री व मूर्तियों को लोग नजदीकी नालों और पेड़ों के नीचे रख देते हैं, जिससे एक ओर तो हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है, वहीं दूसरी ओर इसका सीधा असर सफाई व्यवस्था पर पड़ता है। योगेश वर्मा ने कहा कि इसी के मद्देनजर क्षेत्र में तकरीबन सभी बड़े मंदिरों के बाहर बड़े बड़े ड्रम रखवाए गए हैं और क्षेत्र के जनता से अपील की गई है कि वे अपने घरों में इस्तेमाल की गई पूजा सामग्री भगवान की मूर्तियों को अपने आसपास के मंदिरों के बाहर रखे गए ड्रम में डाल दें, जिसके बाद निगम कर्मचारी द्वारा वहां से उठवा लिया जाएगा और पूजा सामग्री के अपशिष्टों से निगम के कंपोस्ट प्लांट पर खाद तैयार किया जाएगा। इसके अलावा खंडित मूर्तियों को उचित स्थान पर गड्ढा बनाकर विधि विधान से विसर्जित किया जाएगा।